हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज़ है उनकी आइडियाज शेयर करूंगी। ये सारे ही ब्लाउज़ मैंने स्टिच किए हैं एंड इनके वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इसी चैनल पे मैंने इनकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताई है एंड साथ में मैंने ये लटकन है इसकी वीडियोज़ भी अपलोड की है, ये भी मैंने बनाने बताए हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें एक एक करके सारे ब्लाउज़ है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ब्लाउज़ मैंने, देखिए ये प्रिंसेस कट पे मैंने बनाया है। देखिए यहाँ पे हमने पाइपिंग है वो भी निकाली है एंड इसका देखिए हमने आगे से बोट नेक रखा है ऐसे एंड इसकी स्लीव्स बहुत ही प्यारी है। देखिए यहाँ से पप स्लीव्स हमने तैयार की है, आपने इस ब्लाउज़ को काफ़ी पसंद किया है। देखिए तो यहाँ पर हमने आगे देखिए बॉर्डर अटैच किया है एंड इसकी देखिए इस तरह से हमने नेट से पफ स्लीव्स है वो बनाई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। आजकल इस टाइप की स्लीव्स बहुत ही ट्रेंड में है, तो इस टाइप के ब्लाउज आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। एंड देखिए इसका जो बैक है, यहाँ पे हमने इस टाइप का डिज़ाइन बनाया है। देखिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये देखिए ये पिक्चर में देखिए इस टाइप का हमने ये डिज़ाइन है ये बनाया है। तो इस टाइप के ब्लाउज आप अपने लहंगे या फिर साड़ी के लिए बना सकते हो, बहुत ही यूनिक लगता है इस टाइप का ब्लाउज़। तो ये वाला डिज़ाइन आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, कटिंग एंड स्टिचिंग का पूरा वीडियो, तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। तो अभी देखिए नेक्स्ट ब्लाउज में हमने, देखिए इसको भी यहाँ से प्रिंसेस कट पर बनाया है हमने एंड देखिए इसके हमने फ्रंट में भी ऐसे डिज़ाइन बनाई है बोट नेक के साथ, इसको भी हमने बोट नेक के साथ तैयार किया है एंड इसकी स्लीव्स हमने छोटी रखी है, आप चाहो तो इसमें स्लीव्स बड़ी भी बना सकते हो। एंड देखिए इसका बैक कुछ इस तरह का है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है इस तरह का। तो लेस के साथ हमने इस नेक को तैयार किया है, ये देख सकते हैं आप, और इसके यहाँ पर साइड में हमने हुक्स लगाए हैं, दोनों साइड से बंद है ये और साइड में इसमें हुक लगाए हैं, तो इसे बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरह से। एंड देखिए जो नेक्स्ट ब्लाउज है हमारा, इसमें हमने देखिए ये फ्रंट ओपन पे है, ये देख सकते हैं आप, ये भी हमारा प्रिंसेस कट पे है। मैंने जो सारे ही ब्लाउज बनाए हैं वो प्रिंसेस कट पे बनाए हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छे से आती है, तो आप इजीली बना सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने नेक थोड़ा सा यहाँ पे डीप रखा है, फ्रंट नेक, एंड देखिए हमारा इसमें बैक भी डीप है। तो इस तरह से हमने सिंपल राउंड नेक बनाया, इसमें डीप नेक के साथ इसको तैयार किया है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। एंड जो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज है, ये देख सकते हैं इसके, देखिए हमने इसको भी बोट नेक के साथ तैयार किया है एंड इसको प्रिंसेस कट बनाया है यहाँ से। एंड देखिए यहाँ पे हमने ये डिजाइन बनाई है फ्रंट में, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। और इसकी स्लीव्स भी हमने छोटी रखी है एंड देखिए इसका जो हमारा बैक है वो कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से बोट नेक के साथ इसको ऐसे कुछ ड्रॉप स्टाइल में एकदम से डीप नेक हमने तैयार किया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। एंड जो इसकी लटकन है, इसी कपड़े से हमने इसकी लटकन भी बनाई है, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहो तो यहाँ पे लटकन रेडीमेड भी लगा सकते हो एंड यहाँ पे मैंने देखिए कपड़े की बनाई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। एंड जो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज है, ये देख सकते हो आप, इसे भी हमने प्रिंसेस कट पे बनाया है एंड देखिए यहाँ से हमने इसको भी बोट नेक के साथ तैयार किया है। देखिए थोड़ा सा डीप नेक है, मीडियम नेक है, ना तो डीप है और ना ही ऐसे छोटा है, तो इस तरह से हमने बनाया है। और देखिए इसका बैक बहुत ही सुंदर है, देखिए इस तरह का कुछ हमने ट्रायंगल शेप टाइप बनाया है इसको एंड ये भी बैक ओपन है, आप देख सकते हैं। एंड इसकी लटकन से इसका लुक और ही अच्छा आ रहा है, मैंने इसी कपड़े से ये लटकन बनाई है, तो लटकन बनाने की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं जरूर से। एंड नेक्स्ट ब्लाउज में देखिए हमने इसको भी प्रिंसेस कट पे तैयार किया है, ये हमारा कॉटन का ब्लाउज है, बिना अस्तर के ही देखिए हमने इसको तैयार किया है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारा ब्लाउज बना है। एंड देखिए यहाँ से इसका वी नेक बनाया है हमने, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड इसकी स्लीव्स बहुत पसंद आई आपको, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसकी स्लीव्स बहुत ही अच्छी लगी। तो ये देखिए डबल लेयर में हमने स्लीव्स तैयार की है और आगे की तरफ देखिए मैंने पतली सी लेस है वो अटैच करी है।
यहाँ पे देखिए मैंने बैक में भी इसमें वी नेक तैयार किया है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से थोड़ा सा डीप किया है और यहाँ से हमने बो लगा दिया है। और ये भी बैक ओपन ब्लाउज है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हो, मैंने जितनी भी आपके साथ डिजाइन शेयर की है उसमें आप इसे फ्रंट ओपन पे भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसे। एंड जो नेक्स्ट ब्लाउज है देखिए, इसमें भी देखिए हमने जो स्लीव्स है वो अम्ब्रेला स्लीव्स रखी है, ये देख सकते हैं। एंड देखिए इसका नेक आगे से कुछ इस तरह से बनाया है, स्वीट हार्ट नेक बनाया है आगे से देखिए। एंड ये स्लीव्स है देखिए, यहाँ पे अभी हमने पिको नहीं करवाया, पिको करवाने के बाद इसका लुक और भी अच्छा आएगा। अम्ब्रेला स्लीव्स आजकल काफ़ी ट्रेंड में है तो आप इसे ज़रूर से बना सकते हैं। एंड देखिए बैक में हमने कुछ इस तरह का शेप बनाया है देखिए, राउंड शेप करके ऐसे, और यहाँ पे एक छोटा सा बो बना के अटैच किया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरह से। तो गाइज ये सारी डिज़ाइन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड इन ब्लाउज़ में से आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन, सबसे अच्छा ब्लाउज कौन सा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। एंड देखिए नेक्स्ट ब्लाउज हमने स्लीवलेस बनाया है, आप देख सकते हैं इसको भी हमने प्रिंसेस कट पर बनाया है। एंड देखिए यहाँ पे इसके साथ हमने लटकन भी तैयार की है इसी कपड़े से। एंड गाइस आप देख सकते हैं इसको भी हमने बोट नेक के साथ तैयार किया है, इसका नेक थोड़ा सा हमने ब्रॉड रखा है। एंड देखिए इसका बैक कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से हमने इसका बैक है वो तैयार किया है। तो इस टाइप की ब्लाउज आप अपने लहंगे के लिए ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, ये वाले डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड में है एंड ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप इस टाइप की डिज़ाइन है वो ज़रूर से ट्राई करें गाइस। एंड देखिए मैंने इसी कपड़े से लटकन बनाई है, इसका वीडियो भी मैंने बना के अपलोड कर दिया है तो आप ये भी देख सकते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने डोरी वाली पाइपिंग लगा के इसको तैयार किया हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। एंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ब्लाउज है ये हमने बनाया है फोर टक्स पे, ये हमारा फ्रंट ओपन है, ये देख सकते हैं फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज हमने तैयार किया हुआ है और यहाँ से इसका नेक डीप रखा है हमने। एंड देखिए इसकी स्लीव्स, इसके ऊपर भी हमने डिज़ाइन बनाई है देखिए, ऐसे पत्ती की शेप हमने बनाई है आप देख सकते हैं, इसे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए हमने आगे की तरफ यहाँ पे इसके बॉर्डर अटैच किया है और इसी कपड़े की हमने ये लटकन भी बनाई है। एंड देखिए इसका बैक कुछ इस तरह से है, देखिए ट्रायंगल शेप में इसका बैक है देखिए, और यहाँ पे इसको भी हमने डोरी वाली पाइपिंग के साथ देखिए रेडी किया है एकदम फिनिशिंग के साथ, देखिए देख सकते हैं गाइज आप। तो देखिए ब्लाउज को एक फिनिशिंग के साथ कैसे स्टिच करते हैं मैंने सारे ही वीडियोस में आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने इन ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट ब्लाउज में हमने इसको भी प्रिंसेस कट पर बनाया है देखिए, पाइपिंग के साथ रेडी किया है इसको, और देखिए फ्रंट में हमने नेक डीप रखा है। एंड देखिए स्लीव्स इसकी बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हैं ये वाला डिजाइन जो कि इसे ब्लाउज का लुक और भी अच्छा आ रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। एंड देखिए इसका बैक कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहाँ पे इसमें हमने डबल हुकाई पट्टी लगाई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हुकाई पट्टी है एंड यहाँ पे भी हुकाई पट्टी है, अभी हमने हुक्स नहीं लगाए, तो इसे इसका लुक और भी अच्छा आ रहा है। ऊपर हमने ऐसे ही डोरी इसको अटैच करी है, तो ये भी हमारा बैक ओपन ब्लाउज है। एंड देखिए इसकी स्लीव्स है, इसके डिज़ाइन काफ़ी यूनिक लग रहा है, इसे ब्लाउज का लुक आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे ब्लाउज आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड इनमें से सबसे बेस्ट ब्लाउज डिज़ाइन आपको कौन सी लगी मुझे वो भी ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।